व्यक्ति राम हमारे इष्ट हैं, आराध्य हैं, पूरे विश्व के पूज्य हैं, और कोई आपके पिता के ऊपर पत्थर मारे, संविधान ये काम नहीं कर पा रहे हैं। एक मिनट, आपके पिता के ऊपर कोई पत्थर मारे या मारने आ जाए तो उसकी रक्षा करने की आजादी संविधान ने भी दी है, तो हमने सिर्फ रक्षा की। घर में बुलडोजर खड़ा हो जाना चाहिए इस हिसाब से। बिल्कुल, अगर आपके पिता पर कोई मारे, पुलिस जब तक आएगी तब तक तो मर्डर हो जाएगा। प्रशासन, सरकार, कानून, कोर्ट जरूरत नहीं है। जब बाद में फोन लगाएंगे, जब पुलिस आएगी, जब फोन लगाएंगे तब आएगी। कहा जाता है कि अगर एक कातिल को आप सजा देना चाह रहे हैं, मतलब उसको मार दे रहे हैं, तो आप दूसरे कातिल बन जा रहे हैं खुद। तो ये तो उसी वाली अहिंसक, हम तो वसुदेव कुटुंबकम की चर्चा करते हैं। कैसे कैसे अहिंसा कैसे होगी सर? बुलडोजर पूर्ण रूप हमने बयान दिया। बुलडोजर का मतलब आत्मरक्षा के लिए अपने पास व्यवस्था रखना। अगर तो अगर आपको दिक्कत है कि आपको डर है तो आप क्रेन रख लो, वो भड़काऊ कैटेगरी में नहीं लगा आपको? बिल्कुल नहीं। हिंसा अगर अपनी रक्षा के लिए अगर बुलडोजर रखना अगर जो है भड़काऊ है तो आपको लग रहा है कि अभी होते रहना चाहिए। ये समाज अब ऐसा हो गया है कि यहाँ पर जरूरत तो आन पड़ी है कि भाई हमें बुलडोजर रखना पड़ेगा, हमें अपनी आत्मरक्षा खुद करनी पड़ेगी। इस तरह का समाज आप मान लीजिए आदिकाल हमारे भारत वर्ष में तो ये कहा जाता है शांति प्रिय। फिर माननीय प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर की बात क्यों कर रहे हैं? ये तो वो आत्मनिर्भरता अलग है ना। अगर वो कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनो तो हम भी रक्षा के लिए आत्मनिर्भर बन रहे हैं। तो फिर इंसान खुद पुलिस बन जाए, ये कहना चाह रहे हैं? इंसान पुलिस नहीं, कानून को हाथ में नहीं लेना, आत्मरक्षा के लिए कोई भी वस्तु रखना। ये गन क्यों दी जाती है? गन का लाइसेंस क्यों दिया जाता है? ये बंद करवाओ, पुलिस के पास तो खुद है। और भी आपके बताइए बताइए अगर हम गलत बोल रहे हैं। और भी बयान है आचार्य जी, आप जो आपके अनुयायी उन्हें पागल कहते हैं। हाँ अच्छा है, क्यों? पागल का मतलब प्रभु को पाकर के जो गल जाए वो पागल। पागल का अर्थ है, पागल को आप उल्टा पढ़ो तो लग पा, प्रभु के चरणों में लग जाओ वो पागल। अपने आप को अछूत कहते हैं आप? अपने आप को अछूत कहते हैं? बिल्कुल, चारों वर्ण हमारे अंदर है, शूद्र है, वैश्य है, क्षत्रिय है, धर्म की रक्षा के लिए हाथ उठा दिया। आप तो कहते हैं जातिवाद का मैं जिक्र नहीं करता, लेकिन आप चारों वर्ण हमारे अंदर है इसलिए जातिवाद की कोई बात नहीं। तो अछूत कैसे हैं फिर? अछूत कैसे हैं? अपने आप को कहते हैं। क्यों हैं? मैं वही जानना चाहता हूं। ये लगता है कि हमारी गांव की भाषा है, आप हमें छूना नहीं, हम अछूत हैं। उस वक्त गांव की भाषा में गांव का एक कहावत है, भैया हमें छूना नहीं, हम अछूत हैं। तो गांव की कहावत में वो संबोधित किया था, ना कि अपने आप को अछूत सबसे संबोधित करके या किसी व्यक्ति को जलील करके हमने अछूत कहा। सनातनियों को कायर कहते हैं आप जी? सनातनियों को? हाँ, अगर सनातन की बात आती है और बुजदिल बनकर घर पर बैठ जाते हैं तो वो कायर हैं। राम की बात आती है और राम के लिए जवान नहीं उठती, संतों की बात आती है, धर्म की बात आती है, और अगर कोई बाहर नहीं उठता, मुंह नहीं खोलता, अपनी वाणी नहीं खोलता तो वो बिल्कुल कायर है प्यारे। तो ऐसा क्यों लग रहा है कि समाज कायर होता जा रहा है हमारा, और आपको इस तरह की बात नहीं? जग भी बहुत रहे हैं, जग भी तो रहे हमारे। जगाने से तात्पर्य क्या है आपका? किस तरीके से जगाना चाहते हैं? क्यों आप कहते हैं मैं जाति नहीं मानता, मैं धर्म नहीं मानता? तो आप इंसान को एक कीजिए ना, मानवा सनातन ही जोड़ देते हैं। सनातन का मतलब कोई पर्टिकुलर धर्म नहीं, समानातन का मतलब वो धर्म जिसमें बसो सारे धर्मों को ही करना चाहते। पूरी बात वसुदेव कुटुंबकम की चर्चा, हम उस सनातन धर्म की बात कर रहे हैं जिसके मंदिरों से आवाज निकलती है विश्व का कल्याण हो, विश्व में शांति हो, प्राणियों में सद्भावना हो। और जो इस चीज को नहीं मानते वो दूसरे धर्म को मानते हो? अगर वो नहीं मानते तो वो मानव है नहीं है, मानव समाज में रहने के लायक। दूसरे धर्म की बात कर रहा हूँ मैं सर, जो वो अपना धर्म हमारे सब धर्म हमारे हैं जिसमें मानवता सबसे पहले हमारा उद्देश्य है, मानवता। तो एकता की जरूरत क्यों है? समाज बिखर रहा है क्या आपकी नजर में? बहुत ज्यादा जातिवाद के नाम पर रोटियां सेकी जा रही है श्रीमान। आपको न्यूज नहीं पढ़ रहे आप? नहीं, न्यूज तो कुछ जगह की आती है, उससे पूरे समाज को हम ताना बाना बिगाड़ने का काम, समाजों को एक करना जरूरी है। आप भी न्यूज चलाइए ये काट कर हमारी अलग से, मतलब ताना बाना बिगड़ गया है समाज की। कौन बिगाड़ रहा है समाज का ताना बाना? अब आपकी नजर पर कह दें, नहीं कह दीजिए, जब उसको भी चला देंगे काट। अरे साहब इतने ज्यादा भी नहीं, नहीं चला देंगे आप बोले कौन बिगाड़ रहा है साना वाना, जिसको एकता की जरूरत पड़ रही है। श्री गणेश हम आप कर रहे हैं, श्री गणेश हम आप हम बिगाड़ आप बिगाड़ रहे हैं। अच्छा, आप और हम दोनों, तो वही तो मैं कह रहा था कि भड़काने वाली बात है क्या आपके बयानों से जिससे ताना बाना बिगड़े? नहीं, हम एकता की चर्चा करते हैं, आज भी कह रहे हैं हम मानववादी हैं। सबसे पहले कोई हमसे परिचय पूछे तो हम सबसे पहले मानव हैं, फिर सनातनी हिंदू हैं, तीसरा हम हिंदुस्तानी हैं, ये हमारा सौभाग्य। आखिर में मैं गुरु जी,
आज का युवा जिसको आप एक करने की बात कर रहे हैं उसके लिए क्या कहना चाहेंगे जल्दी से? सभी युवाओं को हम यही कहना चाहेंगे कि मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है और सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो सबको स्वीकार करता है। सभी युवाओं से कहना है माता पिता और गुरु की बातों पर चलते रहिए, सनातन धर्म का अनुकरण करते रहिए, भारत एकता की ओर बढ़े ताकि अनेकता में जातिवाद में ना बटे और सनातन का उत्थान हो, भारत का उत्थान हो, भारत विश्व गुरु बने। शास्त्री जी महज 26-27 साल की उम्र और लाखों फॉलोअर्स, इसे कैसे देखते हैं? कभी एहसास हुआ था कि इतनी कम उम्र में इतनी फैन फॉलोइंग हो जाएगी, इतने भक्तगण हो जाएंगे आपके और उनकी समस्या का निदान कर रहे होंगे आप? जय श्या राम, जय बागेश्वर धाम जी, इन सब पर कृपा ईश्वरीय कृपा होती है। हम आप कोई नहीं होते हैं जो चुन सकें कि हमें कौन सा कार्य करना है। ईश्वर पहले से चुनता है कि किससे क्या कार्य करवाना है। ये बालाजी की कृपा और साथ में हमारे दादा गुरु का आशीर्वाद, तो बालाजी की कृपा से एक ब्राह्मण परिवार में दास का जन्म हुआ, तो वहाँ से यह परंपरा पर दरबार की कथा की आदि की प्रारंभ हुई। फिर दादा गुरु ने हाथ पकड़ करके बालाजी के चरणों में लगा दिया, तो निरंतर मानव सेवा में लगे हुए हैं। तो हमें लग रहा कि किसी व्यक्ति की सोच से ये कार्य निश्चित नहीं होता, ईश्वर स्वयं निश्चित इसको करके भेजता है कि किससे क्या करवाना। अभी बहुत सारी चीज़ें मन में चल रही होगी, इतने सारे लोग सामने बैठे हैं आपके। कभी नहीं, अब आदत हो गई। अच्छा, इससे ज्यादा की आदत हो गई? हाँ, ज्यादा की आदत हो गई तो कम है। लेकिन लगा दो साल में एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया। आप कहते हैं कि एक अभाव का जीवन था, प्रभाव का जीवन है, कैसे देखते हैं इसको? और कोरोना के टाइम से सोशल मीडिया आते ही एकदम आप